हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका कल्ट एक्सप्लेनर नामक चैनल में। मैं लेकर हाजिर हूँ एक और हॉट वेब सीरीज लेकर, जिसका नाम मौज मस्ती है, जो कि हॉटी नॉटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इसके पहले सीजन में 3 एपिसोड आए हैं, जिसमें मैं पहले एपिसोड की स्टोरी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी में 3 बैचलर दोस्त मनोज, कपिल और चेतन होते हैं। ये लोग एक हाउस रेंट पर लेना चाहते हैं, तो ब्रोकर उनको घर दिखाने लाया होता है और घर उनको पसंद आ जाता है। फिर मनोज ब्रोकर से एक मेड भेजने के लिए कहता है। वो ब्रोकर कहता है कि सारा इंतजाम हो जाएगा और इन लोगों से एडवांस लेकर चला जाता है। फिर ये लोग बैठे होते हैं तो डोरबेल बजती है, उसमें से चेतन जाकर डोरबेल खोलता है तो सामने एक हॉट सी लड़की होती है, जिसे देखकर उसका ठरक जाग जाता है। वह सीधे उसके बूट्स पर ध्यान देकर कहता है कि आप कौन है, और उसका ठरक उसके चेहरे से टपक रहा होता है। वह लड़की बताती है कि उसका नाम जयंती है और वह काम वाली है। फिर चेतन उसे अंदर आने को कहता है। अब जयंती मनोज और कपिल को भी देखती है, इनका भी ठरकीपन उमड़ पड़ता है इनको देखकर। वह तीनों जयंती को काम पर रख लेते हैं और किचन की तरफ भेज देते हैं। अब वो लोग बात कर रहे होते हैं, अब तो सारे सुख उनको मिल गया है, अब ठुकाई भी नसीब होगी। जयंती किचन में सब्जी काट रही होती है तो मनोज उसके पास जाता है और उसके बूट्स को छूने लगता है। जयंती कहती है कि तुम पैसा खाना बनाने के लिए देते हो, ये सब करने के लिए अलग से पैसे लगेंगे। तो मनोज मान जाता है और फिर चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है। जैसे ही वह ठोकने के लिए पोजीशन बनाता है, कपिल और चेतन भी आ जाते हैं। तब जयंती उनको देखती है और मनोज से कहती है कि मुझे फोरसम तो नहीं करना है, हर रोज कोई एक उसकी ठुकाई करेगा। इस पर वो लोग मान जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज मनोज की बारी रहेगी ठोकने की। फिर कपिल और चेतन चले जाते हैं, मनोज जयंती को फिर ठोकता है। अब तीनों बैठे रहते हैं, कहते हैं कि पैसे देने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा। अब उन्हें पेपर में एक नौकरी के लिए एक ऐड दिखता है। वो लोग फोन लगाकर अगले दिन वहां जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन वो लोग वहां जाते हैं, जो कि एक लेडीज अंडरगारमेंट्स की शॉप होती है, और उस शॉप की मालकिन उन लोगों को काम पर रख लेती है और अपने दूसरे वर्कर स्वीटी से इनको काम समझाने की बात करके वहां से चली जाती है। अब स्वीटी इनको काम समझा देती है। कस्टमर आते हैं तो वो लोग उसका उन लोगों का नाप लेने के बहाने उनका बूफ टच करते रहते हैं। यह सब स्वीटी देखती रहती है और चेतन से कहती है कि क्या यह सब करने से लड़कियां पड़ जाती हैं। तब चेतन कहता है कि यह सब मालकिन को मत बताना, क्योंकि उनको वह नौकरी से निकाल देगी और हमको नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तब स्वीटी कहती है कि इसके बदले में मुझे तुमको ठोकना पड़ेगा। चेतन मान जाता है और उसको पकड़ लेता है। फिर यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली हॉट वेब सीरीज के साथ।